ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आजकल हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से SD कार्ड का प्रयोग करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन कभी ना कभी हम लोगों को अपने SD कार्ड के साथ एक शिकायत देखने को मिलता है कि वो है हमारा SD कार्ड करप्ट हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्या होता है, इनके पीछे क्या कारण है और हम कैसे इसे होने से बच सकते हैं या फिर बचा सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष वीडियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे रीजन निकल के आते हैं जिनके कारण जो हमारा SD कार्ड है वो खराब या फिर करप्ट हो जाता है। आइए एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से बात करते हैं और साथ ही साथ कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने SD कार्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला बड़ा कारण निकल के आता है कि हम लोग SD कार्ड खरीदते वक्त यह ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो SD कार्ड खरीद रहे हैं वो एक अच्छे ब्रांड की ओर से आता है कि नहीं आता है, आखिरकार वो लो लेवल का तो नहीं है या फिर लो क्वालिटी का तो नहीं है। तो नॉर्मली आप SD कार्ड खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान दें कि आप जो SD कार्ड खरीद रहे हैं वो एक अच्छे ब्रांड का है कि नहीं है, एक अच्छा SD कार्ड है कि नहीं है। अब नॉर्मली दोस्तों आपको लोकल मार्केट में अच्छे से अच्छे ब्रांड के SD कार्ड उपलब्ध हो जाते होंगे, एग्जांपल के तौर पर सैमसंग का, सोनी का, HP का, सैंडिक्स का, सभी कंपनियां की ओर से आपको एक अच्छे अच्छे SD कार्ड देखने को मिल जाते हैं। आप कोशिश करें कि इन कंपनियां का ही SD कार्ड खरीदें, एक लोकल SD कार्ड को कभी मत खरीदें। अब दोस्तों ये तो रहा पहला कारण। यहां पे दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों ये जो दूसरा कारण है वो कहीं ना कहीं आप लोग अपने स्मार्टफोन का जो स्मार्टफोन में जो SD कार्ड का कनेक्शन है उसे आप डायरेक्ट तोड़ देते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपका जो स्मार्टफोन में SD कार्ड डाला हुआ है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपने SD कार्ड को आप रिमूव कर देते हैं। मान लीजिए कि SD कार्ड में किसी प्रकार का वीडियो प्लेयर या फिर किसी प्रकार का मीडिया स्टोर है, आप उसी मीडिया को देख रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं और देखते डायरेक्ट अपने SD कार्ड को आप बाहर निकाल दिए, या फिर आपका डिवाइस में SD कार्ड लगा हुआ, आपका डिवाइस ऑन है, SD कार्ड को आप डायरेक्ट बाहर निकाल दिए। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जिसके माध्यम से आपका जो SD कार्ड है वो करप्ट या फिर खराब हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग अपने SD कार्ड को निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर टिप्स ये है कि अपने डिवाइस को स्विच ऑफ यानी कि पावर ऑफ कर लीजिए। अगर आप पावर ऑफ करना नहीं चाहते हैं तो सेटिंग में चले जाइए, सेटिंग में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मलता है, जस्ट उसी स्टोरेज के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाइए जहां पे आपको एक्सटर्नल SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको अनमाउंट SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। अगर देखने को मिल रहा है तो अनमाउंट कर दीजिए अपने SD कार्ड को, उसके बाद बहुत ही आराम से सेफली आप अपने SD कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। अगर अनमाउंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो वहां पे आपको इजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिला तो जस्ट इजेक्ट कर लीजिए। इजेक्ट करने के बाद बड़े ही सेफली आप अपने SD कार्ड को रिमूव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो दोस्तों आप जब भी SD कार्ड को रिमूव कीजिए अपने स्मार्टफोन से तो ये बात पर जरूर ध्यान दीजिए, अपने स्मार्टफोन में जो SD कार्ड लगा हुआ है उसे इजेक्ट या फिर अनमाउंट कर लीजिए। यहां पे दोस्तों तीसरे रीजन की बात करें तो नॉर्मली जो तीसरा रीजन है ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन को तोड़ने से भी रिलेटेड है। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो आपका स्मार्टफोन है उसमें आपने SD कार्ड को लगा रखा है और अपने स्मार्टफोन को आपने USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस केबल के माध्यम से अपने डिवाइस को आपने एक लैपटॉप या फिर किसी प्रकार के कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, वहां पे आप किसी प्रकार का मीडिया शेयर कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का रीड राइट वहां पे काम हो रहा है और डायरेक्ट आप कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि अपने स्मार्टफोन से केबल को निकाल लेते हैं या फिर लैपटॉप से केबल को निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी बड़ा कारण निकल के आता है। अब नॉर्मली सब काम हो चुका है, रीड राइट हो चुका है, फिर रीड राइट हो रहा है, अब आप अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट वहां से कनेक्शन हटाना चाहते हैं यानी कनेक्शन हटाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली सीधे सेफली जाके आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि SD कार्ड को इजेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में भी, यानी कि लैपटॉप में जो कनेक्शन है आपके डिवाइस का उसे इजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो नोटिफिकेशन पैनल जहां पे USB शो कर रहा है वहां पे जाके आप चार्जिंग ओनली कर सकते हैं, जो मीडिया शेयर हो रहा है उसे हटा सकते हैं। तो ये दोस्तों इन बात पर भी आप ध्यान दीजिए जब अपने SD कार्ड को रिमूव करते हैं उस वक्त, अन्यथा दोस्तों आपका SD कार्ड खराब हो सकता है। दोस्तों यहां पे जो अगला रीजन निकल के आता है वो अपने SD कार्ड को आप बार बार इन आउट करते रहते हैं, अर्थात SD कार्ड को कभी उस डिवाइस में लगा दिया, कभी उस डिवाइस में लगा दिया, कभी उस डिवाइस में लगा दिया। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण निकल क्या आता है जिसके माध्यम से जो आपका SD कार्ड है वो करप्ट या फिर खराब हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इन कारणों पे आप ध्यान दीजिएगा, इन टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा
तो आपका जो एसडी कार्ड है वो खराब नहीं होगा या फिर करप्ट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आज के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।